आज की इस वीडियो में सीबीएसई का जो नया अपडेट है 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए उसकी बात करेंगे। अगर आपको 10th और 12th का एग्जाम देना है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आपकी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुकी है। अब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो और सीबीएसई की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से ना होके अब आपको डाउनलोड करना है इनके अल्टरनेटिव वेबसाइट पे। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें 10th और 12th का एग्जाम देना है, ताकि वो भी जानकारी उन्हें मिल सके। आप इंग्लिश क्लास और स्टडी टिप्स और एजुकेशनल बेस्ड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ से आप इसे डाउनलोड ना करके जो इनकी अल्टरनेटिव वेबसाइट है आप उस पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इनकी पहले की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी जिसका नाम cbsc.nic.in है, इस पर नहीं होगा। आप देख सकते हो इस पर लिखा हुआ है कि द एडमिट कार्ड्स हैव बीन डायरेक्टेड टू द अल्टरनेटिव वेबसाइट cbseonline.ernet.in एंड आर नॉट अवेलेबल ऑन द प्राइमरी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in। तो इस पे नहीं मिलेगा, जो इसका अल्टरनेटिव वेबसाइट है cbseonline.ernet.in पे ही मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। सीबीएसई ने सप्ताह पहले ही जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th के लिए, जिन्हें एग्जाम देना है, उनके लिए इन्होंने एडमिट कार्ड को जो है रिलीज कर दिया है। और इसके बाद उस एडमिट कार्ड में जो है इनका वेन्यू और टाइम सब मेंशन है उस एडमिट कार्ड के अंदर में। और किसी भी बच्चे को बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम में अपेयर होने की परमिशन नहीं है। एडमिट कार्ड जो है कि है वो बिल्कुल ही कंपलसरी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग थ्रू द प्राइवेट मोड विल बी कंडक्टेड एट द एग्जाम सेंटर ओनली। यानी कि जो बच्चे प्राइवेट के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं तो इनका जो प्रैक्टिकल जो एग्जाम है, जो इनका स्टडी सेंटर, जो इनका एग्जाम सेंटर है वहीं पर ही होना है। और फॉर द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द रेगुलर मोड द क्लास 10th एग्जाम विल बिगिन फ्रॉम द फरवरी 21st एंड क्लास 12th एग्जाम इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फरवरी 15 ऑनवर्ड्स। अब जो बच्चे रेगुलर मोड से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो प्राइवेट मोड से नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके, यानी जो 10th क्लास में हैं, उनका पेपर फरवरी में 21 तारीख से स्टार्ट होगा। और वही बात कर लेते हैं कि जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनके एग्जाम फरवरी में 15 तारीख से स्टार्ट होने हैं। ये सीबीएसई की अपडेट है, जरूरी अपडेट था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, जिसे मैं लेके आया था। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, और ये आपका काम है, आप अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिन्हें 10th और 12th का जो तैयारी करनी है, एग्ज़ाम देना है, उन्हें पता चल जाए कि अब उनके पास टाइम नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।